हेलो। तो देखो बच्चों, आज हम देखेंगे इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, ये दिया हुआ है तो हमें क्या प्रूव करना है बच्चों। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। थोड़ा सा टिपिकल जाएगा बच्चों, मगर देखो हम सॉल्व करेंगे। क्या कंसिडर किया करना है हमें, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, ये हमें तो दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड का पहले स्क्वेयर करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वेयर करेंगे, देखो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, सी स्क्वायर। ठीक है, तो और एक ऑपरेशन हमें करना पड़ेगा, कौन सा है, हमें ऐड करना है बोथ साइड, एडिंग ऑन बोथ साइड बाय, एक टर्म ऐड करना है बच्चों। देखो कौन सा टर्म ऐड करना है मेरे को, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये ब्रैकेट का स्क्वायर, ये टर्म पूरी ऐड करना है। क्यों, क्योंकि देखो प्रूव दैट में क्या है, ए साइन थीटा है, मेरे पास ए कॉस थीटा है, तो मेरे पास ए साइन थीटा का टर्म चाहिए बच्चों, तो मैं ए साइन थीटा ऐड कर रहा हूं। तो देखो इधर पे क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर, ये तो है एज इट इज, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये टर्म मैंने ऐड कर दिया, इधर भी इस साइड में भी ऐड हो जाएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए वाला टर्म मैंने ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसका एक्सपांशन होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ऐसा भी होता है ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत ईजी है बच्चों, तो मेरे को ये एक्सपांशन करना है ब्रैकेट का, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये एक ब्रैकेट का एक्सपांशन हो गया बच्चों। ठीक है, तो दूसरा ब्रैकेट एक्सपांशन करेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इस ब्रैकेट का एक्सपांशन हो गया। इस साइड में एज इट इज सी स्क्वायर बचेगा, प्लस इस ब्रैकेट को एज इट इज रख दो, इसका एक्सपांशन मत कर दो बच्चों, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। अब क्या होगा, अब टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, इधर देखो ए एक सेम है, ए एक सेम है, दो टर्म है मगर प्लस माइनस अपोजिट साइन से है, ए टर्म को ए टर्म चला जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा वाला ए स्क्वायर का टर्म है उसको नजदीक लाता मैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये टर्म बच गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस साइड में एज इट इज हम इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, होप सो दैट आपको समझ में आया होगा। अब देखो ए स्क्वेयर हम कॉमन निकाल रहे हैं, ए स्क्वेयर अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, इधर पे भी बी स्क्वेयर में कॉमन निकालूंगा, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, सी स्क्वेयर प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ब्रैकेट का स्क्वेयर। तो बच्चों ये आइडेंटिटी आपको बहुत बार आपने यूज किया है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, ये होता है वन। तो इधर पे क्या बचेगा, ए स्क्वेयर इंटू वन बी स्क्वेयर इंटू वन इज इक्वल टू क्या बचेगा, सी स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट आएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा
ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो लास्ट में है, थोड़ा सा बाकी है। इधर पे क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर जो है बच्चों वो उधर जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर। इधर क्या बचेगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, रूट लेंगे बोथ साइड में। तो इधर पे भी रूट ले लिया, इधर पे भी रूट ले लिया, ए स्क्वायर और रूट चला जाएगा, टकला बच जाएगा। क्या बचेगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये बच गया, इज इक्वल टू इधर अंडर रूट में क्या आएगा, प्लस और माइनस आएगा। जब हम रूट लेते हैं तब प्लस और माइनस लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।